तीर को लगाते हुए बाहर की नहीं ऊपर की तरफ देखें, श्वास लेते हुए छोड़ते रहिए और विश्राम करें। जय इट्स वेरी गुड फॉर पर्सन हैविंग अ थायराइड इश्यूज। हम ब्रेक देंगे बात करने के लिए। अपना शरीर ये आपका समय है, आपके लिए देना है बस। अब आपके पास कुछ लोग के पास प्रसाद आ रहे हैं, उसका ध्यान देने का जरूरी नहीं है, आप आपके साथ रहेंगे। वंडरफुल। दूसरी तरफ सिर रखिए, विश्राम करें। दिस इज़ वेरी गुड फॉर बैक। अगर आप लॉन्ग पीरियड टाइम आप खड़े हो रहे हो, ज़्यादा वर्किंग आपके खड़े होने का है, बैठने का है, ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस है बैक के लिए। इंस्टेंटली आपको बैक रिलीफ मिल सकता है। विश्राम करें। अगर आपका सिर नीचे टच हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नीचे टच कीजिए। अदरवाइज जहाँ तक आप जा सकते हैं आपका आसन वहाँ तक एंड। वंडरफुल। इट हेल्प्स इन रिलीविंग कॉन्स्टिपेशन, गुड फॉर बैक। मसाजेस द एब्डोमिनल मसल्स, मसाजेस हिप्स, बैक ऑफ द हिप्स। विश्राम करें इस आसन पर और धीरे से श्वास लेते वक्त जैसे गया है वैसे वापस आइए। कम बैक। अच्छा पता है किसी किसी को बहुत जल्दी लोबिकी की वजह से चक्कर आता है, तो उस टाइम पे ना हम इस आसन को प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो क्या है, हमारा जितना भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो सिर की तरफ ट्रैवल करता है। वापस आए, राइट लेग को राइट हैंड को रिलीज करें, फिर लेफ्ट हैंड। विश्राम करें, वज्रासन पर बैठ जाइए। अभी हम अपोजिट इनवर्ट पोस्ट करेंगे। अपोजिट पोस्ट दोनों नीज के बीच में हम थोड़ा फैसला रखें, वाइड करें और धीरे से श्वास छोड़ते हुए बीच में कर पा रहे हैं लंबर रीजन को पीछे की तरफ स्ट्रेच करें, ज़्यादा बेंड ना करें। मेक्श्योर श्वास लेते और छोड़ते रहेंगे जितना हो सकते हैं और धीरे से आगे आएंगे। जैसे हम अर्ध चक्रासन किया है खड़े होकर, वैसे ही हम पहले सिर को लेकर आएंगे, उसके बाद लंबर रीजन को पीछे करेंगे। तो इंस्ट्रक्शंस के साथ साथ चलेंगे। एक पाम डिस्टेंस रखना है आपका नीज और फीट के बीच में। और अपने श्वास के ऊपर ध्यान दीजिए। इट इज अ वेरी गुड प्रैक्टिस आफ्टर हैविंग फूड। अगर ब्रेकफास्ट आज पता चल रहा है ना कुछ कुछ लोग को, क्या शरीर है, हाथ है, पैर है, जो लोग नहीं करते हैं। ओके, दूसरी तरफ चले जाएंगे। हाथ श्वास लेते हुए हाथ ऊपर और लेफ्ट फुट बाहर की तरफ और श्वास छोड़ते हुए सीधा साइड वाइज आ जाइए। आपका फिंगर टच टू द फीट, राइट हैंड आसमान की तरफ, श्वास लेते छोड़ते रहिए और धीरे से श्वास लेते हुए बीच में और विश्राम करें।